ये देखिए कितना मॉइस्ट, टेस्टी और स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है। आज तक मैंने आपके साथ बहुत सारे हेल्दी टेस्टी रेसिपी शेयर किए हैं और आज फिर लेकर आई हूँ एकदम नई डिफरेंट रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और सिर्फ 2 चम्मच तेल में बन जाएगी। जब आप इसे एक बार बनाएंगे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसे बार बार बनाने से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे घर के सामान से मार्बल ढोकला। आज तक आपने इस तरह का ढोकला कहीं देखा भी नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। चलिए फटाफट बना लेते हैं मार्बल ढोकला। ये है झटपट बन जाने वाले मार्बल ढोकला के इंग्रेडिएंट। आप देख सकते हैं ये सभी इंग्रेडिएंट घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए एक ग्राइंडर लीजिए। इसमें 4 से 5 लहसुन, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया धोकर डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। अगर आमचूर पाउडर नहीं है नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए ग्रीन चटनी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इस चटनी को एक बड़े बर्तन में डालकर साइड में रख दीजिए। अब एक बड़े बर्तन पर छन्नी लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1.5 कप चावल का आटा और 1/2 कप महीन वाली सूजी। महीन सूजी नहीं है तो सूजी को ग्राइंड करके डालिए। और चावल का आटा आप घर का बना भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट का भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे चावल का आटा भी महीन होना चाहिए। चावल के आटे की रेसिपी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी और नमक डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप खट्टा दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा फ्रेश हो। जैसा हम कढ़ी के लिए यूज़ करते हैं वैसा नहीं चाहिए, हल्का खट्टा चाहिए। और अब इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और थिक बैटर तैयार कर लीजिए। हमें अभी बैटर को पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक ही रखना है। कुछ इस तरह का बैटर होना चाहिए। बैटर को चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स ना हो इस बात का ध्यान रखें। जब इस तरह का बैटर तैयार हो जाए इसमें से 1/4 बैटर को हम डाल देंगे हरी वाली चटनी में। देखिए इस तरह से 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और पहले हरी चटनी वाले बैटर को तैयार कर लेंगे। हरी चटनी वाले बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। अभी हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे, तब ये थोड़ी सी अपने आप थिक हो जाएगी क्योंकि सूजी थोड़ी देर में फूल जाती है। अब वाइट वाले बैटर में भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें सेम ही रखनी है जैसे हमने चटनी वाले बैटर की रखी है। दोनों की कंसिस्टेंसी कभी भी एक जैसी होनी चाहिए। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो भी जाए तो भी ढोकला एकदम परफेक्ट ही बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है। दोनों बैटर को तैयार करने में 1 कप दही और लगभग 1.5 कप पानी लगा है, पर सूजी और चावल की क्वालिटी अलग अलग होने के कारण थोड़ा सा कम या ज़्यादा पानी लग सकता है। तैयार हो चुके बैटर में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालिए और मिक्स कर लीजिए। इस समय आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अब 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अब चटनी वाले बैटर में भी लगभग 1/2 छोटा चम्मच तेल डाल देना है, मिक्स कर देना है और इसे भी ढक कर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। दोनों भी बैटर बहुत अच्छे से फूल जाने चाहिए, इसकी वजह से ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी और मॉइस्ट बनता है।
जब तक दोनों बैटर सेट हो रहे हैं, एक बड़ी कढ़ाई स्टीमर या फिर भगोना गैस पर रख दीजिए। इसमें 4 से 5 कप पानी डाल दीजिए और इसमें रख देना है रिंग या स्टैंड। अगर रिंग या स्टैंड नहीं है तो कटोरी को भी रख सकते हैं या फिर स्टील का डब्बा रख सकते हैं। ढक दीजिए, लगभग 10 मिनट तक इसमें स्टीम आने दीजिए। जब ये गर्म हो जाए, स्टीम आ जाए, तब केक टिन या फिर स्टील की थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। पानी गर्म हो जाने के बाद इस केक टिन को रख दीजिए स्टीमर पर। ध्यान रहे रिंग और इस टिन के बीच में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, पानी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पॉन्ज अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं। पानी गर्म हो जाने के बाद में 2 पैकेट या फिर 2 टीस्पून रेगुलर या फिर लेमन इनो लीजिए। इसमें से 1/2 पैकेट या फिर 1/2 टीस्पून इनो ग्रीन वाले बैटर में डाल देना है और फटाफट मिक्स कर लेना है। इस काम में हमें देरी नहीं करनी है। मिक्स करके इसे साइड में रखिए और वाइट बैटर में बचा हुआ इनो डाल दीजिए, मीन्स 1/2 टीस्पून इनो हमें इसमें डालना है। इसे भी फटाफट मिक्स कर लेना है। दोनों भी बैटर को मिक्स करते समय ध्यान से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिए। अब इसे पलट दीजिए रेडी किए हुए केक टिन में या फिर थाली में। पहले इसमें वाइट वाला बैटर डालना है। वाइट वाला बैटर डाल देने के बाद में चम्मच से बीच बीच में 3 से 4 जगह पे हरा वाला बैटर डाल दीजिए, कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से डाल रही हूँ, सेम तरीके से डालना है। बैटर डाल लेने के बाद चम्मच की सहायता से इसे चला लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, 2 से 3 राउंड ही करने हैं। बैटर बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करना है हमें, बीच बीच में ही चलाना है, बस इतना ही चलाना है। और अब फटाफट ढक दीजिए, फ्लेम को मीडियम टू हाई रहने दीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट में ये ढोकला तैयार हो जाएगा, या फिर गैस की फ्लेम पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लग रहा है। ढोकला बनाते समय कभी भी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे ढोकले को स्टीम कुक नहीं करना है। 15 मिनट के बाद में नाइफ से चेक कीजिए, अगर नाइफ क्लीन आ रहा है ढोकला हो गया है, और अगर थोड़ा भी पार्ट लग के आ रहा है तो 2 से 3 मिनट और स्टीम कुक कर लीजिए। उसके बाद फ्लेम को बंद कीजिए और ढोकला ठंडा होने दीजिए। इसी तरह की स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। ढोकला ठंडा हो जाने के बाद में नाइफ की सहायता से इसे अनमोल्ड कर लेना है। पहले साइड से इस तरह से निकाल लीजिए, उसके बाद पलट दीजिए। बहुत ही आसानी से ढोकला निकल जाएगा, क्योंकि हमने पॉट को ऑयल से ग्रीस किया था। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। चलिए अब इसे पलट कर देख लेते हैं। ढोकला ठंडा होने के बाद ही अनमोल्ड करें, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसे मनचाहे आकार में कट कर लीजिए और सर्व कीजिए। पर अगर आप इसे तड़के के साथ खाना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसका तड़का कैसे बनाते हैं। एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम कीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हींग, राई, और साथ ही डाल देना है जीरा। और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है हरी मिर्च डालिए। मैं यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ और डाल दे रही हूँ थोड़े से कड़ी पत्ते। अब इसे क्रिस्पी होने तक हमें कुक कर लेना है और उतार के डाल दीजिए ढोकले के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से डाल सकते हैं या फिर पूरे ढोकले पर पलट सकते हैं। ये देखिए कितना मॉइस्ट और स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है। वैसे इस ढोकले का टेस्ट इतना अच्छा है, इतना मॉइस्ट है और स्पाइसी है कि आप इसे बिना तड़के के भी खाएंगे तो आपको पसंद आने वाला है। मार्बल केक तो आपने बहुत बार बनाया होगा, मार्बल ढोकला एक बार जरूर बना के देखें और मुझे बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अगर आपको अलग अलग तरह के ढोकला खाना पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने मेरे चैनल के सभी ढोकला रेसिपी की लिंक दी है, आप चेक कर सकते हैं। आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए।
और किसी भी तरह की रेसिपी बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे पूछिए, मैं आंसर जरूर करूँगी। ये जो स्क्रीन पर आपको दो रेसिपीज दिखाई दे रही है, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए, मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।